वेलकम टू माय चैनल पकवान विद ज़ायका। आज मैं आपके साथ क्रिस्पी प्रॉन्स फ्राई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत डिलीशियस क्रिस्पी प्रॉन्स फ्राई होते हैं, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। क्रिस्पी प्रॉन्स फ्राई के लिए मैं यहाँ पर ले ली 1 kg प्रॉन्स। इसको मैं डीवेन करके इसको अच्छी तरह से वॉश कर ली। आप देख सकते हैं 2 साइड से भी अच्छी तरह से डीवेन किए हुए प्रॉन्स हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 teaspoon फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 teaspoon नमक, 1/4 teaspoon हल्दी पाउडर, 1/2 lemon जूस। इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी। अब मैं ऐड करूँगी ये स्पाइसेस, 1 teaspoon रेड चिली पाउडर, 1 teaspoon कश्मीरी लाल मिर्च, ये मैं कलर के लिए ऐड कर रही हूँ, 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1 teaspoon ज़ीरा पाउडर, 1/2 teaspoon गरम मसाला पाउडर और मैं ले ली 1 teaspoon चाट मसाला पाउडर। इन सब को मैं प्रॉन्स में ऐड कर दूंगी। वन टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिलीज और कोथमीर का पेस्ट। 3 से 4 मैं ले ली ग्रीन चिलीज और थोड़ी सी कोथमीर ऐड करके उसका पेस्ट बना ली, वो मैं इसमें ऐड कर दी। इन तमाम स्पाइसेस को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर ली। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 cup कॉर्नफ्लोर और 3 tablespoon मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चावल का आटा। ये ऐड करने से अच्छे से क्रिस्पी फ्राई होते हैं। इन सब को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। प्रॉन्स पे अच्छी तरह से तमाम स्पाइसेस और कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह से कोट हो गया। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद इसको मैं इसमें एक एक प्रॉन्स को इस तरह से ऐड करते जाऊंगी। आपको एकदम से प्रॉन्स ऐड नहीं करना है, इस तरह से आपको खुले खुले प्रॉन्स को फ्राई करना है। प्रॉन्स ऐड करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट में इसको फ्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। इमीडिएटली आप उसको चम्मच से हिलाना नहीं, वरना उसकी कोटिंग निकल जाती। अब इसको मैं स्लो फ्लेम पे फ्राई करूँगी ताकि अंदर से भी प्रॉन्स अच्छी तरह से फ्राई हो सके। प्रॉन्स को मैं टर्न करते जाऊंगी अब इस तरह से ताकि 2 sides भी अच्छी तरह से ये फ्राई हो सके। 5 to 7 minutes में प्रॉन्स को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर ली। आप देख सकते हैं प्रॉन्स अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई होके रेडी हो गए। बस इसी तरह से आपको प्रॉन्स को फ्राई करना है। अब मैं इसको निकाल दूंगी। प्रॉन्स को एक बैच में फ्राई करके निकाल दी। इसी तरह से मैं रिमेनिंग प्रॉन्स भी फ्राई करके निकाल लूंगी। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी प्रॉन्स फ्राई होके रेडी हो गए। बस इसी तरह से आपको प्रॉन्स को फ्राई करना है। इस क्रिस्पी प्रॉन्स फ्राई की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए। ये बहुत डिलीशियस प्रॉन्स बनते और मेरी इस रेसिपी को लाइक और शेयर करिए। जो मेरी इस रेसिपी को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो आप मेरे आने वाले हर न्यू रेसिपीज़ को वॉच कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मेरे चैनल को फॉलो करिए। अल्लाह हाफिज़।